आज भी माँ के पैर छूकर घर से बाहर निकलते हैं अजय, बिना उनकी सलाह के घर में नहीं होता कोई काम। नमस्कार, बॉलीवुड के सिंगम अजय देवगन आज अपना 50वां जन्मदिन मना रहे हैं। सभी लोगों को लगता है कि अजय के करियर की शुरुआत फिल्म फूल और कांटे से हुई थी, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते कि उनकी पहली फिल्म प्यारी बहन थी, जिससे उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के बचपन का रोल प्ले किया था। आज हम एक्टर के बारे में ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें आप नहीं जानते होंगे। अजय देवगन को संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम के एक्टिंग के लिए अवार्ड से नवाजा गया था। इस फिल्म में अजय ने ऐश्वर्या राय के पति की भूमिका निभाई थी, लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि सेट पर ऐश और अजय के बीच बहुत कम बातचीत होती थी। दोनों सिर्फ डायलॉग बोलकर निकल जाते थे। इतना ही नहीं, अजय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अभिषेक बच्चन को अपनी और काजोल की शादी के बारे में बताया था। अजय देवगन भगवान भोले के बहुत बड़े भक्त हैं। उन्होंने अपने चेस्ट पर भगवान भोले का एक टैटू भी बना रखा है। इसके अलावा आज भी अजय अपनी माँ की सलाह लिए बिना कोई फैसला नहीं लेते हैं। आज भी एक्टर बिना माँ के पैर छुए बिना बाहर से नहीं निकलते हैं। इसके अलावा अजय देवगन ने अपने करियर में ज्यादातर फिल्में अपने जिगरी दोस्त रोहित शेट्टी के साथ किया। लेकिन आपको एक बात बता दें कि अजय देवगन और रोहित शेट्टी दोनों के पिता ही बॉलीवुड में स्टंट मैन का काम करते थे। अजय और रोहित बचपन के दोस्त हैं और एक साथ बर्थडे पार्टी में भी जाया करते थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।